दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आलू बैंगन की सब्जी। अगर आप इस तरह से सब्जी बनाओगे तो सब्जी बहुत ही बढ़िया बनेगी। तो चलिए दोस्तों इस मज़ेदार रेसिपी की शुरुआत करते हैं। मैंने यहाँ पर पैन को गर्म कर लिया है, तो अब हम यहाँ पर तकरीबन एक बाउल जितना मूंगफली का इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पर हमें गैस के फ्लेम को मीडियम टू हाई फ्लेम पर रखते हुए मूँगफली को अच्छे से रोस्ट कर लेना है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर मैं अच्छे से मूंगफली रोस्ट कर रही हूँ। तो अब यहाँ पर हमारी मूंगफली रोस्ट हो चुकी है, तो इसे हम पील कर इसे अच्छे से क्लीन कर लेंगे। मैंने यहाँ पर ब्लेंडिंग जार लिया हुआ है, तो अब हम यहाँ पर जो भी क्लीन की हुई मूंगफली है इसमें ऐड कर देंगे और हमें इसकी फाइन पेस्ट बना लेनी है। तो जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर हमने ब्लेंड कर लिया है मूँगफली को और उसकी पेस्ट कुछ इस तरह से बन चुकी है। तो दूसरी ओर मैंने यहाँ पर मीडियम फ्लेम पे कढ़ाई को गरम कर लिया है। जैसे ही कढ़ाई गरम हो जाए तब हम यहाँ पर तकरीबन 3 टेबलस्पून जितना ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। जैसे ही यहाँ पर तेल गरम हो जाए तब हम इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून जितनी राई। जैसे ही राई चटकने लगे तब हम इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून जितना जीरा। तो अब हम यहाँ पर डाल देंगे तकरीबन 5 to 6 करेली से इसका स्वाद बहुत ही बढ़िया आ जाएगा। और अब हम यहाँ पर डाल देंगे 2 प्याज लंबाई से कटे हुए। तो अब हम यहाँ पर प्याज को अच्छे से फ्राई करेंगे और हमें प्याज को तब तक फ्राई करना है जब तक इसका कलर थोड़ा सा गोल्डन कलर ना हो जाए। तो यहाँ पर जो प्याज है वो अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर। मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज के टमाटर को इस तरह से कट कर लिया है। तो अब हम यहाँ पर टमाटर को भी अच्छे से फ्राई करेंगे। तकरीबन 1 मिनट तक हमें लगातार इस तरह से टमाटर को फ्राई कर लेना है। 1 मिनट हो जाए तब हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा धनिया और उसके बाद फिर से इसे मिक्स करते हुए तकरीबन 1/2 मिनट तक हमें इसे अच्छे से फ्राई कर लेना है। अब हम यहाँ पर ऐड कर देंगे 2 टीस्पून जितना नमक। आप अपने स्वादानुसार नमक का इस्तेमाल कर सकते हो। उसी के साथ 1 टीस्पून जितना क्यूमिन पाउडर, 1 टीस्पून जितना गरम मसाला पाउडर और यहाँ पर मैं 2 टीस्पून जितना रेड चिली पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ। उसी के साथ मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून जितना धनिया पाउडर का इस्तेमाल किया है और 1/4 टीस्पून जितना टर्मरिक पाउडर का इस्तेमाल किया है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और जैसे ये मिक्स हो जाए तब हम इसे अच्छे से फ्राई करेंगे और इसे हमें तब तक फ्राई करना है जब तक ये मसाले जो हैं अच्छे से तेल ना छोड़ने लगे। तो दोस्तों अगर आप ये सब्ज़ी इस तरीके से बनाओगे तो सब्ज़ी बहुत ही बढ़िया बनेगी और खाने में भी बहुत ही बढ़िया स्वाद आ जाएगा। अब हम यहाँ पर जो देख रहे हैं वो मसाला अच्छे से फ्राई हो चुका है, तो इसीलिए 1 छोटा बाउल जितना पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसे एक बार हम हिलाकर मिक्स करेंगे और इसे तकरीबन हमें 1 मिनट तक इस तरह से पकने के लिए छोड़ देना है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हो पानी डालते ही हमारे मसाले यहाँ पर अच्छे से पक चुके हैं। तो अब हम इस स्टेज पे यहाँ पर ऐड कर देंगे आलू। मैंने यहाँ पर तकरीबन 4 आलू को इस तरह से कट कर लिया है, तो मैंने यहाँ पर आलू डाल दिया है। अब हम आलू को अच्छे से इस मसाले के साथ मिक्स करेंगे ताकि ये जो मसाला है वो आलू पे अच्छे से कोट हो जाए। तो जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर मसाला अच्छे से कोट हो चुका है, तो अब हम यहाँ पर आलू को थोड़ा सा कुक कर लेंगे। इसीलिए मैंने यहाँ पर प्लेट ढक दिया है। तो तकरीबन 3 मिनट के बाद हमें यहाँ पर प्लेट को हटा लेना है और जैसे कि आप देख रहे हो फिर से हमें इस तरह से इसे मिक्स कर लेना है और इसे तकरीबन 1/2 मिनट तक इसे लगातार चलाते ही अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो जैसे ही अच्छे से मिक्स हो जाए तब हम इसमें ऐड कर देंगे बैंगन। मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के बैंगन को इस तरह से कट कर लिया है, तो अब हम यहाँ पर बैंगन को ऐड कर देंगे और बैंगन डालते ही हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि ये जो मसाला है वो बैंगन पे भी अच्छे से कोट हो जाए। तो जैसे कि आप देख रहे हो मसाला अच्छे से कोट हो चुका है, तो फिर से हम इसे एक बार हिला लेंगे और जैसे ही एक बार मिक्स हो जाए तब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 छोटा बाउल जितना पानी। तो जैसे कि आप देख रहे हो मैंने यहाँ पर पानी डाल दिया है। तो अब हम यहाँ पर ऐड कर देंगे मूँगफली की पाउडर, जो भी हमने मिक्सी जार में ब्लेंड कर लिया हुआ था वो हम यहाँ पर ऐड कर देंगे।
और ऐड करते ही हमें इस तरह से अच्छे से इसे मिक्स करना है ताकि ये जो पाउडर है वो हमारे बैंगन और आलू के साथ अच्छे से कोट हो जाए। तो जैसे कि आप देख रहे हो मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब हम यहाँ पर इस पर प्लेट ढकते हुए इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। हमें यहाँ पर इस तरह से बीच बीच में से सब्जी को चेक करते रहना है ताकि ये सब्जी कहीं नीचे से जल ना जाए और इसे इस तरह से मिक्स करते रहना है। दोस्तों ध्यान रहे मैंने यहाँ पर गैस के फ्लेम को मीडियम फ्लेम पे ही रखा हुआ है। तो यहाँ पर फिर से हमें प्लेट ढक देना है और सब्जी को पकने के लिए छोड़ देना है। यहाँ पर तकरीबन 2 मिनट के बाद फिर से हम इस तरह से प्लेट को निकालेंगे और उसके बाद फिर से एक बार हमारी सब्जी जो है वो चेक करेंगे। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर हमारा जो बैंगन है वो अच्छे से पक चुका है। तो अब हम यहाँ पर आलू को चेक करते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हो आलू भी पककर तैयार हो चुका है। तो अब हम यहाँ पर गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसमें थोड़ी सी कोरिएंडर लीव्स डाल देंगे और इसे हम प्लेट ढकते हुए इसे तकरीबन 5 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो दोस्तों 5 मिनट के बाद जैसे कि आप देख रहे हो हम चलते हैं सर्विंग के प्रोसेस में। तो दोस्तों आपको ये रेसिपी कैसी लगी हमें ज़रूर बताना और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, साथ में लाइक कमेंट और शेयर भी कर देना। ऐसे ही न्यू वीडियोस के लिए यस टू कुकिंग हेवन को देखते रहना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही न्यू रेसिपी के साथ।